नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से आपका स्वागत है। सलमान खान यानी बॉलीवुड के सुल्तान के अच्छे दिन आ गए हैं कह लीजिए, क्योंकि एक तो उनकी फिल्म सुल्तान जबरदस्त कमाई कर रही है 500 करोड़ के ऊपर, और दूसरी तरफ राजस्थान हाई कोर्ट ने आज उन्हें काले हिरण के मामले में बरी कर दिया है। दो मामले थे, दोनों में बरी हो गए हैं। सलमान खान के अच्छे दिन। तभी सलमान खान पर आरोप लगा कि 26 सितंबर 1998 को जोधपुर के भवाद और 28 सितंबर 1998 को जोधपुर के घोड़ा फार्म में चिंकारा का शिकार किया। अवैध शिकार के इस मामले में कुल 12 आरोपी थे, जिसमें से 11 को सेशंस कोर्ट पहले ही बरी कर चुका था, जबकि सलमान को मथानिया घोड़ा फार्म केस में 5 साल की सजा सुनाई गई और भवाद केस में 1 साल की सजा सुनाई गई थी। घोड़ा फार्म शिकार मामले में सलमान को 2006 में 10 से 15 अप्रैल तक जोधपुर की सेंट्रल जेल में भी रहना पड़ा था। इसके बाद सेशन कोर्ट से भी सजा की पुष्टि होने के बाद सलमान खान 2006 में ही 26 से 31 अगस्त तक जेल में रहे, बाद में उन्हें जमानत मिल गई। तीन चिंकारा शिकार के दो मामलों के आरोपों से राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर ने सलमान खान को बरी कर दिया है। पिछले 18 सालों में 18 दिन सलमान खान जोधपुर जेल में इन दोनों मामलों में रह चुके हैं। राजस्थान सरकार का कहना है कि अब इस मामले में वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी, जबकि सलमान खान और उनका परिवार इस फैसले से बेहद खुश है। सलमान खान को घोड़ा फार्म और भवाद दोनों ही मामलों में बरी कर दिया गया। हाई कोर्ट ने शक का लाभ देते हुए सलमान को बरी किया, और शक ये कि शिकार की रात सलमान की जिप्सी से जो छर्रे मिले थे वो चिंकारा के शिकार की गई गोलियों से अलग पाए गए। इसके अलावा सलमान के पास से जो चाकू मिला था वो भी काफी छोटा था, जिस पर कहा गया कि इतने छोटे से चाकू से हिरण का गला रेतना मुश्किल था, इसलिए ये साबित नहीं हो पाया कि हिरण का गला काटा गया। इसके अलावा जिप्सी की सर्च रिपोर्ट वन विभाग की अलग थी, पुलिस की अलग। इसमें एकमात्र गवाह जो वन विभाग वालों ने तैयार किया हरीश दुलानी को, वो एक केस में अपीयर नहीं हुआ, दूसरे केस में अपीयर हुआ तो सिर्फ सलमान खान के विरुद्ध उसने साक्ष्य दी, सभी अक्यूज को बचाते हुए साक्ष्य दी। उसकी साक्ष्य को अधीनस्थ अदालत ने भी झूठा मानते हुए उसके खिलाफ 193 की कार्रवाई की। चाकू जो था, हमने अदालत में ये साबित कर दिया कि चाकू एकदम नया था, प्रयोग में लिया हुआ नहीं था, उसको काम में नहीं लिया गया, ऐसे चाकू को कैसे काम में लिया जा सकता था। तो ये अदालत में भी जब आया तो चाकू एकदम न्यू ब्रांड था। उसके अलावा जिप्सी में बाल और छर्रे बाद में मैनेज किए गए, सलमान के कमरे से जो छर्रे बरामद किए गए वो छर्रे और जिप्सी से बरामद किए गए छर्रे मेल नहीं खा रहे थे। 18 साल पुराने जिन दो शिकार मामलों में राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, उस वक्त सलमान खुद अदालत में नहीं थे। सलमान की बहन अलवीरा वकील के साथ कोर्ट में मौजूद थी, जबकि सलमान मुंबई में अपने घर पर थे। सूत्रों की माने तो सलमान पूरी तरह से तैयार थे कि अगर फैसला उनके हक में नहीं आया तो वकीलों की एक टीम उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी देगी, यहाँ तक कि जरूरत पड़ी तो वो खुद भी कोर्ट में जाकर सरेंडर करेंगे। जेल में भी सलमान के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई थी, लेकिन वो नौबत नहीं आई। अब सलमान खान आजाद है। शरद कुमार, जयपुर आज तक। तो देखा आपने, सुल्तान आजाद हो गए। 7 महीने में ये दूसरी बार सलमान खान को राहत मिली है। राजस्थान हाई कोर्ट ने कह दिया है कि शिकार सलमान खान ने नहीं किया, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि सलमान खान ने नहीं मारा तो चिंकारा को मारा किसने? अब एक दूसरी अहम बात है, जो अहम गवाह इस पूरे मामले में था वो गायब है। आज तक की खास पड़ताल देखिए। और 7 महीने बाद बॉलीवुड के सुल्तान को एक और बड़े केस से निजात मिल जाती है। एक फैसले से सलमान की जिंदगी की 13 साल की दौड़ का द एंड होता है, जबकि दूसरा फैसला सलमान के 18 बरस पुराने दाग धो देता है। 17-18 सालों में आज हम आपको दिखाएंगे कि क्या सलमान पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं या फिर अब भी कोई केस बाकी है। क्या सलमान का वो डर दूर हो चुका है
जिसकी वजह से कहीं न कहीं सलमान शादी भी नहीं कर रहे थे। क्या सलमान को कोर्ट कचहरी के चक्कर से पूरी तरह निजात मिल चुकी है? हम आपको सलमान का पूरा सच दिखाएंगे। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि चिंकारा केस में सलमान के बरी होने पर विरोध भी हो रहा है। फांसी हो, फांसी हो, दीवा के हत्यारों को। फांसी हो, फांसी हो, दीवा के हत्यारों को। फांसी हो, फांसी। सलमान खान के खिलाफ राजस्थान के बिश्नोई समाज का गुस्सा फूट रहा है। जोधपुर से लेकर बीकानेर तक बिश्नोई समाज सलमान के पुतले फूंक रहा है। हम आपको बता दें कि यही बिश्नोई समाज है जो काले हिरण शिकार मामले में सलमान खान के खिलाफ खड़ा था और सख्त से सख्त सजा देने पर अड़ा था, लेकिन कोर्ट के एक फैसले ने इनके अरमानों पर पानी फेर दिया। जो राजस्थान हाईकोर्ट में करीब 18 वर्ष पहले और 18 साल के लंबे इंतजार के बाद जो मूक वन्य जीव प्राणियों के साथ आज न्याय होना था, वो न्याय नहीं हुआ है। पर्यावरण प्रेमियों में इस फैसले से पूर्ण निराशा है। हम आपको बता दें कि चिंकारा शिकार के मामले में सलमान खान पर अभी दो मुकदमे और बचे हैं। एक जोधपुर के कंकाणी में एक चिंकारा के शिकार का है, जबकि दूसरा इसी शिकार के सिलसिले में आर्म्स एक्ट यानी शिकार के दौरान अवैध हथियार रखने का। ये दोनों ही मुकदमे सेशन कोर्ट में लंबित पड़े हैं, फैसला होना बाकी है। सलमान दोषी है या नहीं, इन दोनों के अलावा सलमान हर केस में आजाद है। अब सवाल यह है कि जिस चिंकारा शिकार के दो मामले में सलमान बरी हुए हैं, उनको सलमान ने नहीं तो किसने मारा और क्यों केस इतना कमजोर हो गया? आइए इसके पीछे की पड़ताल करते हैं। ये तस्वीरें 18 साल पहले की हैं। ये कमरा है जोधपुर के उपवन संरक्षण अधिकारी ललित बोड़ा का और कमरे में चार लोग मौजूद हैं। सलमान को पकड़ने वाले ललित बोड़ा और उनके सहयोगी आरोपी के तौर पर सलमान खान, इस पूरे मामले का अहम गवाह हरीश दुलानी भी है। वो हरीश दुलानी जो सलमान की जिप्सी का ड्राइवर था जब सलमान ने चिंकारा और काले हिरण का शिकार किया था। सलमान खान दिनेश गावरे और यहीं के जो मथानिया कोई घोड़ा फार्म में वहाँ पे गए, वहाँ से भी एक आदमी को लिया। 5-6 किलोमीटर जाने के बाद वहाँ पे भी एक हिरण दिखाई दिया, जो उसको सलमान खान ने एक सर्च लाइट तो दिनेश गावरे ने फिक्स की और दूरबीन वाली बंदूक लेके सलमान खान ने गोली चलाई जिससे वो घायल हो गया। फिर जिप्सी पास में जाके उसको हलाल किया, मतलब कुछ पढ़ के फिर बाद में हलाल किया। सलमान खान के खिलाफ थोक कर बयान देने वाला हरीश दुलानी इसके बाद अचानक गायब हो गया। कई साल तक दुलानी की कोई खोज खबर नहीं मिली। 16 अक्टूबर 1998 को हरीश दुलानी ने मजिस्ट्रेट के सामने गवाही दी थी कि शिकार की रात जिप्सी वही चला रहा था। सरकारी वकील के मुताबिक हरीश दुलानी के गायब होने का फायदा सलमान खान को मिला। आज तक ने जब हरीश दुलानी की पड़ताल की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। हरीश दुलानी और उसका परिवार पहले जोधपुर के हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 11 के मकान में रहता था, लेकिन 4 साल पहले वो अपने परिवार समेत अचानक इस मकान को बेचकर यहाँ से चला गया। मनोहर जी, कब खरीदा आपने और किन किन लोगों ने रजिस्ट्री कराई यहाँ? ये 6-7 साल पहले हमने खरीदा है और रजिस्ट्री उन दोनों भाइयों ने करवाई है। कौन कौन थे? एक ओम प्रकाश, एक हरीश दुलानी। अच्छा, तो कहाँ बेच कर गए कोई आइडिया नहीं? नहीं, कोई पता नहीं। कोर्ट के फैसले के बाद सलमान खान को बड़ी राहत मिली है और वो जोधपुर में चल रहे कुल 4 मामलों में से 2 मामलों में बरी हो चुके हैं। हालांकि सलमान खान दोनों मामलों से बरी हो गए हैं, लेकिन अभी भी कई सवालों के जवाब आने बाकी हैं। सवाल उठता है कि हरीश दुलानी जो सलमान खान का जिप्सी चला रहा था पिछले 18 सालों से कहां गायब है? इसके अलावा सवाल ये भी उठता है कि अगर सलमान खान ने इन चिंकारों को नहीं मारा है तो आखिर इन्हें किसने मारा? कैमरा मैन शर्मा और नवीन दत्त के साथ शरद कुमार, जोधपुर आज तक। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पहली बार, जब से राज्यसभा की सदस्यता छोड़ने का फैसला किया है, पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी की तरफ उंगली उठाई और कहा, मैंने राज्यसभा की सदस्यता इसलिए छोड़ी क्योंकि आपने मुझे पंजाब से दूर रहने को कहा गया। बड़े सवाल खड़े किए नवजोत सिंह सिद्धू ने, देखिए। इलेक्शन जीतने के बाद राज्यसभा देके ये कहा जाता है सिद्धू पंजाब से दूर रहो, फल खाए इस वृक्ष के गंदे जीने पास, अब यही हमारा धर्म है, जल मरे इसी के साथ। अरे पंछी भी उड़ारी मारता है ना, तो शाम को अपने घोंसले में आके टिकता है। 4 बार
10 साल में इलेक्शन जिताया, पहली बार आदमी जीतता है सेलिब्रिटी बनके, दूसरी बार उसका काम जीतता है। सिद्धू ने अपने बोल वचन से सियासत की नई लकीर खींच दी है। राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद चुप्पी साधने वाले सिद्धू ने चुप्पी तोड़ी तो बीजेपी के खिलाफ बोलकर। ऐसा लगा कि सिद्धू के मन में गुबार काफी दिन से भरा हुआ था। इस्तीफा मैंने इसलिए दिया कि मुझे कहा गया था कि पंजाब की तरफ मुंह नहीं करोगे और पंजाब से तुम दूर रहोगे, और सिद्धू छोड़ के चला जाए पंजाब और दूर रहे निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए। अरे राष्ट्रभक्त पक्षी भी अपना पेड़ नहीं छोड़ते। 18 जुलाई को सिद्धू ने राज्यसभा से और उनकी पत्नी ने पंजाब विधानसभा से इस्तीफा दिया। अब सवाल ये था कि सिद्धू ये बताएंगे कि वो किस पार्टी में या दल में जाएंगे। सिद्धू ने इस पर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन सियासत में एंट्री की अपनी कहानी पूरी बता दी। मैं पाकिस्तान में कमेंट्री कर रहा था, मुझे कहा गया सिद्धू जी आप इलेक्शन लड़िए वहां से। मैंने कहा जी 17 दिन है, कहां से लड़ लूं इलेक्शन, ना मेरे पास वैसा कोई धन है। नहीं सिद्धू जी, 6-7 लीडरों के फोन आए, मैंने ना की। फिर वाजपेयी साहब ने कहा कसो कमर कसा और मैदान जंग में आओ, तो चले गए जी वहां। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सिद्धू मुंबई के लिए निकल पड़े बिना ये जवाब दिए कि अगली पारी वो किसके साथ खेलेंगे। सिद्धू की चर्चा तो केजरीवाल के साथ जुड़ने की है, लेकिन आज तक के रिपोर्टर अशोक सिंघल खुद सिद्धू से सुनना चाहते थे। प्लेन के अंदर सिद्धू से सवाल हो रहे थे और वो मौन साध कर बैठे हुए थे। किस लिए इस्तीफा दिया आपने? आपने कहा पंजाब के सर्वोपरि हैं, तो किस पार्टी में आप जाएंगे, कौन सी पार्टी आपको लगता है कि पंजाब के हितों की रक्षा करेगी? प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सिद्धू मिसालों के बाण चला रहे थे, प्लेन में वो एकदम खामोश हो गए। नवजोत सिंह सिद्धू ने ये तो साफ कर दिया कि वो बीजेपी से क्यों नाराज हैं, लेकिन उनके आगे की रणनीति क्या होगी इस बात का खुलासा नहीं किया। लेकिन एक बात तो साफ है कि पंजाब की राजनीति से वो अपने आप को दूर नहीं रखना चाहते और वो आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी कुछ ना कुछ भूमिका जरूर देखना चाहते हैं, जो कि बीजेपी में रहते हुए मुमकिन नहीं था। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ अशोक सिंघल, मुंबई आज तक। We'll be right back.